इस आयनात, इस ब्रह्मांड में तारों की हजारों ग्रुप्स हैं, जो गैलेक्सीज कहलाते हैं। हमारी दुनिया जिस गैलेक्सी में है, उसे मिल्की वे यानी आकाशगंगा कहा जाता है। मेरे पति जो एक स्पेस साइंटिस्ट थे, कहा करते थे कि आकाशगंगा की तरह और भी अनगिनत गैलेक्सीज हैं, जिनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, दूसरी दुनियाओं में जीवन की खोज। उन्होंने तरह तरह के गैजेट्स बनाए थे, जिनके जरिए वो डाटा यानी इंफॉर्मेशन जमा किया करते थे और इसमें साउंड सिग्नल्स भेजा करते थे। उनका कहना था कि आवाज कभी नहीं मरती और हमेशा ब्रह्मांड में लहरों की शक्ल में घूमती रहती है। उन्हें यकीन था कि किसी न किसी और दुनिया में कभी न कभी कोई उन साउंड सिग्नल जरूर सुनेगा और जवाब जरूर देगा। सोनिया, सोनिया, जी आई। क्या हुआ? ये देखो, उनका जवाब आ रहा है। They are responding. मगर ये आवाज़ें? मैंने ओम शक्ति लेके इस ऑपरेट के जरिए एक पैटर्न बनाया और इस पैटर्न को कंप्यूटर पे डिजिटली कन्वर्ट करके मैंने स्पेस में साउंड सिग्नल्स भेजे हैं और ये तो सोनिया दूसरी दुनिया से किसी का जवाब आ रहा है। ये देखो मैं कामयाब हो गया। आई वाच ब्रेक थ्रू सोनिया, आई वाच ब्रेक थ्रू। हमें जाके स्पेस सेंटर इन्फॉर्म करना चाहिए। सो डॉक्टर मेरा टॉक टू यू, डिड दे से हाउ एंड आस्क यू हाउ द वेदर वाज ऑन अर्थ? आई एम सॉरी सर, बट दिस इज नॉट अ जोक। डॉक्टर मेरा, ये रिसर्च सेंटर देख रहे हैं आप, तालों से हम इस रिसर्च में लगे हुए हैं और उन्होंने आप कॉन्टेक्ट किया, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैंने भी अपनी सारी जिंदगी इस खोज में बिताई है। तरह तरह के साउंड भेजे हैं और इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जब मैं मूल शब्द के साउंड को अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग भेजे तो हो सकता है वो। What is Om? Om he is talking about? Om is a Hindu religious word. Which has all the vibrations of the universe. Oh, so they also live in your religion as well. Listen, Dr. Mera, daydreaming is a very bad habit. Believe me, sir. I can prove it to you. You are wasting time, Dr. Mera. Please go home. Kehte hain, dil sapna dekhna bhul jata hai. ये भी नहीं जाते, हर डिस्कवरी हर खोज पहले एक सुनाई होता है। तुम दिल छोटा मत करो संजय, दुनिया हर नई बात को पहले ठुकराती है बाद मान लेती है। हमारे साथ भी यही होगा जी। क्या ये हो सकता है कि इस ब्रह्मांड की वो दुनिया जो एक दूसरे से करोड़ों मील दूर है मिल पाएंगे? नहीं हो सकता है। तरह हम जानते हैं मार्स और जुपिटर पे स्पेस शटल्स भेजे हैं, उसे वो हमारी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कई बार उड़न तस्करी यानी यूएफओ देखे गए हैं। ये लाइट्स ऑन ऑफ क्यों रही है?
ये क्या हो रहा जिंदगी भर के सारे सपने टूट कर बिखर गए। दूसरी दुनिया को खोजने वाला खुद जाने कौन सी दुनिया में चला गया। उनके बाद में क्या मैं किसके साथ रहती। रोहित भी छोटा था इसलिए यहां अपने घर आ गई। मिस मेहरा, आपकी बातें सुनकर पूरी केस हिस्ट्री समझ आ गई है। रोहित के दिमाग की एक्सरेज है। ये देख रहे हैं आप, ये सफेद दाग, इसे ग्लास कहते हैं, जो दिमाग पर चोट लगने की वजह होता है। लेकिन डॉक्टर, रोहित के साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हुआ मिसेस मेहरा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह आप अपने पेट के बल गिरी थी तो बच्चे के दिमाग पर चोट लग गई जो उस वक्त आपके पेट में था और उसके दिमाग का ये हिस्सा डैमेज हो गया। यही कारण है कि उसकी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई कमजोर है। वो 8 बरस का हो गया है लेकिन उसका दिमाग 2.5 साल के बच्चे जितना है। अब फिट जवान होने के बाद भी उसकी मां को उम्र कम रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है ब्रेन का ऑपरेशन। लेकिन क्या केस में कामयाबी के चांसेस कम है। अगर ऑपरेशन फेल होगा तो पूरी बॉडी को पैरालिसिस हो सकता है या फिर डेथ। नहीं, मैं पहले सब कुछ खोज ली हूं। अब रोहित के बाद मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। मैं उसे नहीं खोती। वो खुद 8 बरस का हो गया है लेकिन उसका दिमाग 2.5 साल का बच्चे जितना है। जवान होने के बाद ही उसकी मांस को उम्र कम ही रहेगी। सारी तो बोलता हूँ, मैं बात नहीं करता कि सारी बोलता है। सॉरी सुन सुन दे कितने बस निकले गए। हाँ तो मैं नहीं छोड़ा, अभी नहीं आता हूँ। फुटबॉल के रोहित अभी कोई डर नहीं। हाँ नहीं तो अरे तुले लाल को अरे क्या हालत बना दिया है। अरे ऊपर का भी कांच तोड़ दिया, नीचे का भी कांच तोड़ दिया। अरे छत तो खड़े यार, अरे धूप अंदर बरसात अंदर धूल मिट्टी अंदर अंदर बाढ़ सब दिया। अंकल मैं बड़ा हो जाऊंगा अब घर की खिड़कियां अब ठीक है। हाँ। बड़ा अभी और कितना लाऊंगा सही का झाड़ तो क्या है अभी ये और बनेगा क्या। देखिए आप अपने दोस्त की इंसल्ट मत कीजिए, हम आपके सारे के सारे वापस लगाएंगे। हाँ। हाँ तो लगाओ ना। पहले दी 100-100 के 5। 100-100 के 5 है क्यों नहीं लगाने पड़ेंगे ना। लाइए पैसे। हाँ, अरे मुँह पुलिस से मांगता है।
रोहित जल्दी बेटा स्कूल की देर हो जाएगी। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान, मैं नई क्लास में जाना हूँ, सेवन स्टैंडर्ड। सर मेरा ख्याल रखना भगवान। भगवान अरे मैडम कभी स्कूल नहीं गए क्या? नई क्लास में पुरानी बुक लेके थोड़ी जाते हैं, स्कूल में सेवन स्टैंडर्ड की नई बुक्स मिलेंगी। सेवन स्टैंडर्ड में जा रहे हो? क्यों, मेरे सारे दोस्त जा रहे। फेल हो गए हो। मैं फेल हो गया? हाँ। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वो टीचर बहुत आ रहा है वहाँ, मैं इतना पढ़ता हूँ कुछ याद करके जाऊँ, फिर भी वो मुझे फेल देता है, बाकी सबको मार दिया। मैं स्कूल जाऊंगा फिर किसको मारेगा? नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। इस बार और दिल लगा के पढ़ना रोहित, पास हो जाएगा। नहीं, मेरी क्लास सब नहीं लड़ाएंगे माँ, वो फिर मुझे चलेंगे, मेरा मजाक आएंगे, मैं लंबू बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देख दो नहीं चाहिए मुझे। आप ये कैसी बात कर रही हैं मिसेस मैन? रोहित को प्रमोट करके सेवेंथ भेजना तो दूर की बात है, उसे तो स्कूल में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए अलग स्पेशल स्कूल होते हैं। इस शहर में तो कोई स्कूल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना ट्रांसफर मैं दिल्ली करवा लूँ, जहाँ रोहित जैसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल हैं। और जिस बैंक में मैं काम कर रही हूँ उसे चेयरमैन ने मुझसे वादा भी किया है। बस बस एक साल की बात है सब, एक आखिरी एहसान और दीजिए। टीचर बच्चों पर एहसान नहीं करते, और फिर इस तरह तरक्की देने से उससे कोई फायदा नहीं होगा। फादर मैं जानती हूँ कि रोहित वो कभी नहीं पाएगा जो मैं चाहती हूँ, जो उसके पापा चाहते थे, लेकिन फिर भी उसकी खुशी के लिए, उसी हंसी के लिए। ओके मिसेस बेल, ये आखिरी बात। यस बॉयज, अगर एक्स बराबर है 12 के और वाई बराबर है 8 के तो एक्स प्लस 3 वाई कितना हुआ? जल्दी अपनी आंसर बुक लिख कर दिखाइए। सर, यस रोहित, एक्स प्लस 3 वाई को कितना हुआ? शो मी योर आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। Really? मगर अगली बार तुम्हारा हाथ क्लास में सबसे पहले उठना चाहिए।
पता है कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादा। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना आएंगे कैसे दूर वहाँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादा। देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा, हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ सर क्या लाभ है? छेफ काओ करें डेटियों के साथ घूम रहे, शमी आती चल हट सामने से। हम पहले आए थे, हम ही पहले जाएंगे। तुम हटाओ अपनी बाइक। अपनी लाइफ रिवर्स कर नहीं अल्लू, हम लगा नहीं घूमते रहे। बहुत बोले लग गया है राज। ये कुत्ते को ज्यादा ही भौंक रहे, आज इतने इंजेक्शन लगा देते। फॉर्मूला नंबर 320।
गुड मॉर्निंग। आप लोग अगर बुरा माने तो पूछो, इतने जल्दी जल्दी कहाँ रहते थे? दो एंट्री में एंट्री करते हो, तीसरी वो आया क्या? सर हमारी बाइक से गिरा भागा है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ट्रैफिक रूल्स तोड़े। सुखवान, इन लोगों के चालान मत। जी एक्सक्यूज मी सर, शायद आप जानते नहीं कि कौन हूँ। जानता, आप यहाँ कलेक्टर हरबर सक्सेना साहब साहबजादे राज हैं। सुखवानी, इन्हें डबल फाइन लगाओ। अच्छा, और ये न्यूज लोकल पेपर में भी डाल देना। सबको मालूम होना चाहिए जिस एरिया का इंचार्ज इंस्पेक्टर खान होता है वहाँ कोई मनमानी नहीं करता, फिर चाहे वो कलेक्टर का बेटा हो या खुद कलेक्टर। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। गुड डे। ओ कर्नल, कर्नल के बच्चे बाहर निकल। ओ ब्लडी हरवंस, यार तुझसे बड़ा डफर अभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मुझे स्टेशन रेंट नहीं आया तू? अरे मल्होत्रा, तुझसे ज्यादा बेवकूफ और इडियट आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। फैक्स करता कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन कहाँ कैसे ये नहीं बता। मैं तुझे रिसीव करने के लिए कहाँ आता है? कुछ तो लिहाज कीजिए, कोई गरीब से स्वागत करा है क्या? अरे भाभी, ये डफर ऐसी है, अब थोड़ा खड़ा हुआ है, गले भी नहीं मिल रहा। मेरे यार, मेरी जान, नाइस मीट यू। रिटायरमेंट के बाद अपने दोस्त के साथ बाकी जिंदगी गुजारने चले? और इस दोस्ती का जश्न एक साल मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत होगी शानदार पार्टी के साथ जो आज रात हम बंगले में होगी। थैंक यू हरबंस, थैंक यू यार। भाई साहब आपकी बैठी तो ही आई आई आई। ओए मल्होत्रा के बच्चे, इतनी बातों में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पूछने भूल गया यार। वो हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, हमारी गुड़िया कहाँ है? भाई साहब, आपकी वो छोटी सी गुड़िया अब बहुत बड़ी हो गई। अच्छा, पर हिंदू वो है कहाँ? बस निकल दी तो? ओए लेट का हुआ, अभी बस आने का 5 मिनट बाकी, अभी 20 मिनट का रास्ता है, 3.5 घंटे फिल्म है टंटना। 3.5 घंटे की पिक्चर? हाँ, आजकल लंबे लंबे फिल्मों का फैशन है। बस रही। बस चली गई पिक्चर के, छुट्टी बेकार हो गई टंटना। एक्सक्यूज मी। Yes, please. मैं शहर में नहीं आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शांति विला कहाँ है? शांति विला? हाँ, शांति विला उधर वहाँ से। नहीं नहीं, इधर है, इधर इधर। शांति विला? अबे गाड़ी खाली है, लड़की बोल बाली है, अपने काम आएगी, सेवा और ले जाएगी। चलो चलो, हम आपको लेके चलते हैं। चलो। ओ ग्रेट, ये कौन कौन जगह है? सॉरी, सनसेट पिक, चाइना बीच, चिड़ियाघर, लाल बाजार, टी गार्डन। नो आई मीन ये नाइट लाइफ कैसी है? रात को लोग क्या करते हैं? सोते हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सीरियसली, यहाँ कोई नाइट लाइफ डिस्को नहीं है? आए तो रात चले नहीं जाते? करना चाहिए रोहित, कोई तुझे मदद मांगे तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए,
ना कि उल्लू नन्ना चाहिए। पिक्चर नहीं आती तो? उस दिन मैंने तुम्हें गेम से पढ़कर क्या सुना था? हाँ, जो दूसरों की सहायता करते हैं भगवान उनके सहायक करने में हर पल तैयार रहे। सुनाया था ना? सुनाया तो था, भूल गया। प्रॉमिस करो कि तुम भी उस लड़की से लोगे, माफी मांगोगे, सॉरी बोलोगे। बोलूंगा। ये क्या है माँ? तुम्हारे पापा का बनाया हुआ कंप्यूटर है। पापा ने कंप्यूटर बनाया था? अपने बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर के जरिए वो उन लोगों से बात करते थे जो दूर तारों में रहते हैं। तारों में लोग रहते हैं माँ? हाँ। माँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती मगर होती हैं। अमेजिंग यार हरवंश, तेरे जोक्स आज भी उन्हें ही मजेदार। इतने बार में कुछ भी नहीं बदले। क्यों नहीं बदला डैड? आज को देखिए, पहले इतना था और बिल्कुल खंबा हो गया। I'm sure किसी ने इसकी टांगे खींची होगी। Hey, look look who's talking। पहले ये भी तो इतनी छोटी सी मोटी सी हुआ करती थी। मम्मी मम्मी के राज मैं। अरे भाई, इतने साल बाद मिले हो, मिलते झगड़ा शुरू कर दिया। Come on mom, झगड़ों से दोस्ती गहरी होगी, right? Right. That is Rahul. Hey, Rahul. Hi. Mochi. Hello. Hi. Kimmy. Hi. A friend. Not only a friend. अरे बाबा, टाइम पर पेट में अन्न जावे तो सारी सिंधी झूले लाता गुन गावे रे बाबा। चलो अड़ा। खाने का हूँ भाई। क्या कर पड़ा है बकराया मुझे भाई पापड़ करे साईं। तो लाइन ली पड़ी है, चलो मैं पीछे आता हूँ। ये बकरा क्या? हाँ जी। तो मैं खाता हूँ डाल यार। आठ बराबर सवा। अरे भाई जरा खाना। अरे अरे अभी तो लेट भर के ले आया था। अरे वो तो नीचे चला गया। नीचे किधर भाई? इधर। अरे बाप रे, हमारा पेटू है ये। अरे देखा, 30 करोड़ मानस गरीबी की रेख के नीचे है। एक बड़ी चावल देखने को नहीं मिलता है तो दो दो पेट खाता है। तो तेरा क्या जाता है? बात सच्ची बोलता है। अरे भाई और डालो ना बिट्टू, और डाला। अरे देखता हूँ ना। अरे बाप रे, कितने आई थिंक वी शुड लेट द बॉयज ड्रिंक। मुझे तो बहुत भूख लगी है। बिट्टू कर रहा है बे? क्या चुरा रहा है? नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा था।
क्या? ये देखा ये सॉरी कैसे बोलता है, सीट पे च्युइंगम लगा के। नहीं। ओ, च्युइंगम लगा था? हाँ? राज, राज, he's the same boy, ये बोल रात वाला। सर, बहुत पर निकलना है रे, उस दिन हम लोगों को संगा लिया, अब लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया ने? राज, ये यो, जो मुझे हद दिखाने के बहाने पिक्चर हॉल ले गया, और इसने मेरे सर पे खाना गिराया। वो तो कुछ नहीं निश, आज करने जा रहा था उसकी वजह से तो बाल काट पड़ते, वो च्युइंगम। माय गॉड, इतनी भोली सूरत और इतना बदमाश, इतना तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, इतनी सी बात ले से पुलिस के हवाले करके क्या है, जाने देते से। क्यों रज, चल भाग भाग। इसे जाने क्यों दे? He should have the lesson. चैंपियन हो गया ना स्कूटर लाने में। स्वीटी यार, किससे पंगा ले लिया तूने? एक बुड्ढी गिर के ऊपर से मुझे बातें लगा रही है। बुड्ढी? तूने मुझे बुड्ढी कहा? तो क्या कहूँ, गुड्डी अरे गुड्डी पे थे आप गिर के, आपको चुटने लगी गुड्डी जी। स्वीटी है ही नहीं सुनने वाली चीज। Oh yeah. अच्छा सुन, where do you think Sam is from? पता करे। Sam, तुम्हारी वो पेरिस वाली बिंग हो गई? Of course. Why do you ask? नहीं, MMT पे कुछ अच्छे डील्स चल रहे थे तो। बस क्या दिल्ली सिर्फ मेक ट्रिप पर मिलते हैं बेस्ट डील्स ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट एंड होटल्स, इसलिए इंटरनेशनल ट्रिप ओनली विद मेक माय ट्रिप। कुछ बात है देश की मिट्टी में, जिस देश का हर कोना जुड़ा है, और हम देश मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कचारिया। को पावर बाय पीएनबी हाउस फाइनेंस, घर की बात। खाने में हल्दी कुदरती, लाल मिर्च कुदरती, लेकिन आप ये जाने कि आपके खाने का सफेद नमक कुदरती नहीं, केमिकल फैक्ट्री में बनता है। प्योरो हेल्थ सॉल्ट 100% नेचुरल, 100% कुदरती, पोटेशियम आयरन और आयोडीन से 84 प्रतिशत युक्त। योर हेल्दी सॉल्ट, नमक हेल्दी, फैमिली हेल्दी। कातिल को ये पता लगाने में तो इस वर्दी की शान है, पर वर्दियां तो किराए पे भी मिलती है। बचा तुम
8 बजे मैक्सी और सुनी लिव आवर लकी पैसा गिरा या पैसा मुझ तक पहुंचा दे वरना तेरी प्रीका के चार टुकड़े कर दूंगा मैं 440 वोल्ट का एक ट्रांसफॉर्मर हूँ खतरा मैं अगर तू खतरा है तो मैं भी क्रो का खिलाड़ी हूँ मुझे उसके मुंह के एक्सप्रेशन देखने हैं सबसे बड़ा सीर 19 फरवरी सोमवार रात 9 बजे मैक्स टीवी और सोनी ऐप पर सच पूछो निशा उस पागल कोई कसूर नहीं मैं देखकर तो भी पागल हो सकता रियली फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ नहीं बाबा कभी कभी मुंह से सच निकलता है अब वो कोई बदमाशी नहीं करेगा सॉलिड पनिशमेंट गई है उसे वेल ही डिजर्व्स दैट नो ही डिजर्व्स टू बी अमंगस्ट यू He deserves to be educated like you. He deserves to be blessed with an adult mind like you all. मगर मेरा बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोग जैसा नहीं बनाया है वो जवान तो है पर उसका दिमाग भी बच्चे जैसा है एक भोला भाला मासूम बच्चा जो अच्छे बुरे फर्क नहीं समझता तुम लोगों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा उसका स्कूटर उड़ दिया ये समझ के वो एक लड़की को चेड़ रहा था वो तुम्हें टेटने या परेशान करने के नहीं बल्कि तुम माफी मांगने के लिए आया था ये देखो तुम्हें सही कहने के लिए आया था वो खैर तुमसे तो मैं शिकायत कर भी नहीं सकती क्योंकि तुम शहर नहीं आई हो मगर राज ये तो सब कुछ जता है कभी भी रोहित की क्लास में था ये नॉर्मल है इसलिए आगे चल गया मेरा बेटा वही वही रह गया बट यू नो समथिंग मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कोई नहीं क्यों अगर नॉर्मल लोग तुम जैसे होते हैं तो मुझे खुशी है कि मेरा बेटा रोहित नॉर्मल है मुझे खुशी है रोहित तुम इस कंप्यूटर क्लास में क्या कर रहे हो सर रोहित भी ऑप्शन में कंप्यूटर लिया है शट अप जाकर अपनी सीट बैठो मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ सर कंप्यूटर सीखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है दिमाग की और तुम इतने होशियार हो कि अभी तक 7th में पढ़े हुए मेरे पापा बहुत साइंटिस्ट थे सर उनके पास कंप्यूटर था मैं पापा के जैसे बनना चाहता हूँ सर तो फिर जाओ और अपने बाप से आकर सीखो और इस दुनिया में ही है सर तो जिस दुनिया में है उस दुनिया में जाकर सीखो पर मेरा दिमाग मत खाओ जाओ यहां से थैंक यू इसे कहो ये लाइए तुम्हारे लिए मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा और सॉरी भी नहीं बोलूंगा नहीं चाहिए साइकिल रोहित देखा तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक है
की गलती मुझसे हुई है, मगर मुझे क्या मालूम था कि और कोई शरारत करने नहीं सॉरी बोलने हो। चलो जो हो गया सो हो गया, अब सॉरी बोलती हूँ। सॉरी और मैं ही बल्कि राज मोनी और सारे लड़के भी सॉरी बोलेंगे और आज के बाद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। किसने सता तो? तुम्हें और तुम के उनकी पिटी करेंगे। अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं। मुझ सॉरी इट्स ओके। अब तुम सब भी रोहित को सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी हाय हाय सॉरी इट्स ओके। देखा मैंने कहा था अब तो खुश हो। और तुम लोग सुन लो, आज के बाद नो झगड़ा नो मस्ती सिर्फ दोस्ती। Hey, come here, let's dance. Good be right. Rohit, let's go and dance. नहीं, मुझे डांस नहीं आता। इसे आने चाहिए क्या है? बॉडी को ऐसे पकड़ने का और म्यूजिक पे हिलाने का बस। नहीं मुझे डर लगता। अरे इसमें डरे वाली कौन सी बात है, मैं भी सिखाती हूँ ना। नहीं सीखना ही नहीं। अरे तुम्हें पसीना आ रहा है। हैंगो एक बुक लो, से तुम्हारा डर भी निकल जाएगा और पसीना भी सूख जाएगा। अभी मैं एकदम ठीक हूँ। डांस भी करेंगे। What nonsense is? तुम लोग इसे शक दिला रहे हो? कोई बकाड़ी पीने से आया होगा। ये कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। मैंने इन लोगों से क्या कहा कि रित को तंग मत ना, मगर तुम लोग shame on you guys। चलो रोहित चली मैं घर चली, जाने का मैं किधर चली, फिसल गई
उधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और अब सो गया। तूने क्या किया? पापन है ये सब आपके बेटे के करतन ने, इतने बड़े से उठे कांच के रहने की याद पर गई है। हवा आता था, पानी आता था, धूप भी आता था, जब से कांच गया है ना गर्मी होता है, चमक उठता है। अरे मग कांच तोड़ने की क्या जरूरत है, खिड़की खोल भी तो रह सकते हैं भाई साहब। अरे बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, कितना अच्छा बात बोला बहन जी, लखन से मेरे पे पहला श्री है जो अपना खुद का नुकसान किया है। ये चैंपियन जी कुछ मिमिक्री कर दिखा ना। नहीं सीता गीता तू सीटी बजा सके, मैं कुकर उड़ी है हेमा मम्मी श्रीदेवी करती। सुलू के साथ कौन बात करना चाहता है? तुम्हारी दुल्हन को पावर बीएनबी हाउस ऑफ 25 फरवरी रविवार दोपहर 12 बजे मैक्स एज और सोनी लिव पर। तो ये जाते हैं ऑटोमेटिक शहर में, जनता मूड कैसा है? हर्ष भैया बेकार है, इतनी से जट के इंतजार में। डैटसन रेडिगो का वादा है स्मार्ट ड्राइव ऑटो के साथ बेस्ट इन क्लास बेस, तो बेहतर ऑटोमेटिक लाओ, बेकार नहीं। खाने में हल्दी कुदरती, लाल मिर्च कुदरती, लेकिन आप ये जाने कि आपके खाने का सफेद नमक कुदरती नहीं, केमिकल फैक्ट्री में बनता है। प्योरो हेल्थ सॉल्ट 100% नेचुरल, 100% कुदरती, पोटेशियम आयरन और आयोडीन से 84 मिनरल्स युक्त। प्योर हेल्दी सॉल्ट, नमक हेल्दी, फैमिली हेल्थ। कुपावत पीएम हाउसिंग फाइनेंस घर बात। अफिन नाइस बाथरूम कैरोवेट स्पीडर।
अंजलि को मैंने किडनैप कर लिया है। अगर अंजलि के शरीर पर क्रोध भी आए तो तू नोच के फाड़ दूंगा। आ रहा हूँ मैं उसका गेम ओवर करने। कैसे बचाओगी? बचाऊंगा, बचा के ही रहूंगा। रॉक राजा 12 फरवरी सोमवार 9 बजे मैक्स एच और सोनी लिव ऐप पर। गुरु एलेक्स है। एलेक्स उमन फुल नेम रोशन अपने नेम फॉर नाउ। क्या है नेशनल मिट के साथ साथ हमें नेशनल लैंग्वेज भी आता है। तो तुम क्या रेस्टोरेंट का बात कर रहे हैं? टैंग भी चाहिए है। दैट्स ग्रेट। हमें किसी पे हमला करना है, हमें कस्टमर्स चाहिए वो भी जिंदा। कोपावत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 16 फरवरी शुक्रवार 8 बजे मैक्स एचडी सोनी लिव ऐप पर। सच? हाँ, निशरी की गर्लफ्रेंड बन गए। कैसे? उसने तुझे साइकिल प्रेस की। हाँ, और फिर तुझे क्लब भी ले गई। हाँ, मेरे साथ डांस भी किया। फिर घर पहुँच गई और बोली गुड नाइट रोहित। हाँ, रोहित गुड नाइट किस दी? नहीं तो निशा की गर्लफ्रेंड कैसे बनी? क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं जब किस करे? तो अभी क्या करना चाहिए? मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है, ये सब मत नमक के बुद्धू होते हैं। उन्हें इतना सा भी नहीं मालूम कि किस करने से पहले थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाई जानी चाहिए। और मैं तेरी मासी से मिलना चाहता हूँ, वो क्या मर्दों को बुद्धू समझती है? जी हाँ। रोहित तू एक काम कर, उसे एक अच्छा प्रेजेंट दे दे। प्रेजेंट के लिए पैसे क्या है? मां तो कितने रुपए देती है? अरे यार रोहित, तू निशा फूल तो देता है। बेटा तुम थी लड़के के बारे में बता रही थी ना, जो दिमागी तौर पर अभी तक बच्चा है। हाँ जी। देखो इंटरनेट पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने प्रिंट आउट कर लिया है। इसमें लिखा है कि ऐसे लोगों के साथ बड़े प्यार और हमदर्दी से पेश आना चाहिए, यही उनका इलाज है। ऊपर आओ। ये फूल क्यों छुपा रहे हो? छुपा नहीं रहा, तुम्हारे लिए पैसे आया हूँ। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू। अरे तू शर्मा क्यों रहे हो? वो मेरे दोस्त है ना, बोलो बोल कि अगर लड़की लड़के को किस करे तो बॉयफ्रेंड बन जाते। तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ही कहते हैं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तो हूँ। मुझ पापा। अच्छा मैं चलता। नहीं नहीं अंदर आ, मम्मी पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। पापा माँ ये रोहित है। रोहित। हेलो सर। रोहित कुछ पी गई थी कॉफी? बॉर्नविटा। बॉर्नविटा? बॉर्नविटा? बॉर्नविटा हाँ, चुस्त फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है। मुझे क्या है, मैं 7 हूँ लेकिन मैं क्लास में सबसे लंबा बॉर्नविटा की वजह से। सॉरी रोहित, बॉर्नविटा तो नहीं है। है ना? नहीं है, बॉर्नविटा तो होना चाहिए। हम आज ही मंगाएंगे और पियेंगे भी। कलेक्टर साहब का फोन है। हाँ उनसे बोलो मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटे जरा ये पेश कर देना, मैं अभी आ रहा हूँ। कंप्यूटर जानता हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम भी कंप्यूटर सीखना चाहते हो। सिखाओगी मुझे? ऑफ कोर्स। चलो मेरे घर, कंप्यूटर है मेरे पापा का। ये स्टार्स? हाँ, मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तारों में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे। अच्छा और ना थे। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। एंटर। ये क्या है? नहीं? लगता है तुम्हारे पापा का कोई प्रोजेक्ट है।
देखो बी फ्लैश हो रहा है। ये तो कुछ नहीं हो रहा है। इसमें भी बी लिखा है, देखो इसको इसमें कर करके देखते हैं। हाँ गुड। ओ वाओ प्रेस सी। ओ अमेजिंग प्रेस एफ। ओ प्रेस ई। ओ ओ ये तो मुझे आती है, माने मुझे कहा था, बताओ। रोहित मुझे भी सिखाओ ना। इजी हाथ बताओ। कोई मिल गया। हाँ कौन
Go ahead. बहुत कमाल के खिलाड़ी है राज सक्सेना पर टाइगर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई लेकिन ब्लू भी किसी से कम नहीं मैं देख रहा हूँ 58 के बाद का स्कोर आखिरी मिनटों के खेल में स्कोर हो गया 60-58 भाई और बहनों ब्लू खिलाड़ी ने पास दिया लेकिन सॉल टाइगर ने झपट लिया है तो सॉल टाइगर से राज सक्सेना आगे बढ़ रहे हैं बॉल को लेकर हाफ लाइन क्रॉस सामने क्या हो रहा है सुंदर सी लड़की कोर्ट के बीच में और लड़के को लेकर नहीं गई बहनों लड़के को लड़की कर निकल गई बॉल को खिलाड़ी लेकर निकल गए समझ में इस मैच का खुद का हाल बयान करूं लकी बॉय एनीवेज राज सक्सेना बॉल लेकर आगे बढ़े रख ने पास दिया और ये बल्ले फिर से ब्लू के खिलाड़ी ने छीन ली इस वक्त आखिरी चंद सिक्स का मैच रह गया उसको मैं देख रहा हूँ सॉलिड टाइगर्स ने फिर से मैच को शुरू किया ये पास अपने एक ऑलराउंडर को दिया जो चीख चीख के सॉलिड टाइगर्स को चैलेंज करती हुई चली जा रही है और ये सॉलिड टाइगर्स ये क्या हो रहा है रोहित मैं भी बास्केटबॉल खेलूंगा बैडमिंटन खेलूंगा फिर लोग मेरे लिए भी अलार्म मारेंगे ओह निशा मेरे लिए ताली बजा रही थी तुम अकेले कैसे सीखो अब हम सिखाते हैं तुम सिखाओगे मुझे हाँ हाँ हम सिखाएंगे तुम्हें कम ऑन बॉयज लेट्स टीच रोहित बास्केटबॉल रोहित बल्ले अरे सॉरी लगी तो नहीं ओके कुछ नहीं हुआ आएगा भी सीखेगा नहीं तीशा ताली कैसे बजाएगी निशा से मिलने उससे टकराया था आइंदा से ठीक है चलना अंडरस्टैंड कहते कि पाप नहीं वाले को यही छाप मिलती है पर मतलब कोई पाप नहीं मुझे क्यों सजा मिलती है सब मैं मजाक उड़ाते अगर तुम मदद नहीं करो तो कौन करेगा तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान प्लीज भगवान थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान प्लीज भगवान
रोहित, रोहित, शहर की लड़ी है, काला काला टप रहा है। इसको क्या हुआ सुखवान? ये तो बिजली से नहीं चली ना। शरीफ, लगता तूफान आने वाला है, बड़ा भयंकर तूफान। भारत के स्टेशन कसौल में एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे जाने की खबर मिली है। गौरतलब है कि दुनिया की कई स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस इस घटना को सही नहीं मान रही, क्योंकि दुनिया की किसी भी राज स्टेशन या स्पेस में सैटेलाइट्स को यूएफओ के सिग्नल्स नहीं मिले हैं। मगर यूएफओ की कहानियां वैसी ही हैं जैसे भूतों के किस्से हुए हैं। जिसने देखा वो विश्वास करता है और ना देखने वाले यकीन नहीं करते। कसौली में आज रात देखा गया यूएफओ या उड़न दस्तरी जैसी चीज मई 2001 में बैंगलोर में भी देखी गई थी। यूएफओ यानी उड़न दस्तरी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग देखने का दावा करते हैं, जिसका ठोस सबूत तो ही है लेकिन मानने वाले मानते हैं। ये जली हुई घास, ये तीन खड्डे बात का सबूत है। वो जो स्पेसक्राफ्ट कल रात को कसौली के ऊपर गुजरा था यहीं पर लगा हुआ है। यू एब्सोल्युटली करेक्ट, लगता यही है कि स्पेसक्राफ्ट यहीं उतरा था। दिस इज टेरिफिक, ये तो कमाल गया। यानी कि दूसरी दुनिया से आने वालों ने सारी दुनिया में से हमारे शहर को चुना है। अब अंदाजा लगाओ कि हमारा ये छोटा सा हिल स्टेशन कितना पॉपुलर हो जाएगा, कितना मशहूर हो जाएगा। मैं इस छुट्टी में 2 दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान करता हूँ। ये
मेला लगा है, सब दूसरी दुनिया के लोग घूम रहे। चल रोहित तू भी कुछ बजा। ठीक है मैं भी आता हूँ। अरे रोहित ये क्या कर रहा है तू? लड़के पे आंखें और मुंह बना रहा हूँ। क्यों? मैं दूसरी दुनिया का आदमी बनके दूसरों के साथ माल रोड। दूसरी दुनिया का आदमी कहीं नहीं जाएगा। क्यों? सब दोस्त जा रहे हैं। सबर हम में फर्क है। क्या फर्क है? बहस मत कर। पर नाम है ने कह देना एक बार नहीं जाएगा बस। अरे बाप रे चलो 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 के लोग यानी कि एलियंस। ये क्या कह रहे हैं आप खान साहब? बस ये तो फैक्ट है कि स्पेसशिप होता था, तो ये भी फैक्ट हो सकता है कि उसमें से कोई बाहर आया हो। जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैंने पूरे एरिया का इंस्पेक्शन किया है। पैरों के निशानों से पता चलता है कि स्पेसशिप से कुछ लोग बाहर थे। मगर क्या उनमें से एक वापस नहीं गया। ये आप कैसे कह सकते हैं? कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए। खान अंकल, अगर वो एलियन के ही पैरों निशान है तो उसे पकड़ेंगे? ये इंसान के चांद पर जाने से भी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। उससे यूनिवर्स के हजारों राज मालूम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खतरनाक हुआ तो उसे गोली मार देंगे। Whatever it is, जब तक ये बात पूरी तरह से प्रूव नहीं होती, ये बात यहीं तक रहनी चाहिए। पूरे हिल स्टेशन में खुशी का हॉल खाम खाने फैल जाएगा। ओके सर। रोहित तुम्हें पता जंगल में एलियन रह गया है? एलियन क्या होता है? दूसरी दुनिया में रहने वालों को एलियन कहते हैं। तो दिखने में कैसा होता है? पता नहीं, जानवर की तरह भी हो सकता है और हरी की तरह भी हो सकता है। बिट्टू की जैसा भी होता है? बिट्टू जैसा? हाँ, कल शाम में यहाँ बैठा तो जंगल से एक बच्चा है, मेरा बिट्टू है। मैंने उसे डांडा से मड़का फोड़ दिया और वो जंगल भाग गया। देखो मड़का तो जुड़ा। ये कोई और मटका होगा? नहीं है, वही मटका है। इसमें मैंने आंख और मुंह बनाया था। देखो माय गॉड, कहीं वो एलियन नहीं था? चल जा ढूंढते। जो मटका जोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मुझे डर लगा। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चला चलो चलो।
लगता है वो कोई चाहिए था। चलो चले चलो। ऊपर से आए हो? हमें इसके कुछ करना चाहिए। अगर पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया तो बनी क्या करेंगे? और अगर जंगल में रहा तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? हम उसको छुपा के रखना होगा। चलोगे हमारे साथ? बनोगे हमारे दोस्त? जय हिंद सर। जय। गुड मॉर्निंग सर। सुखवानी। मॉर्निंग सर। इन रोल्स को डेवलपर प्रिंट करवा के ले। जी सर। जल्दी। अरे सचिव कमल का काम किया, आपने क्या सोचा है? सचिव बताऊं, हमारे पुलिस की नौकरी का क्या भरोसा है? आज कल नहीं है, ऊपर से आप जैसे ईमानदार अफसर के साथ में तो कुछ भी हो सकता है। क्या बात कर रहे सुखवानी? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ये जो आपने साइड बिजनेस शुरू किया ना, सच्ची बोलता हूँ, जब तक शादी ब्याह का सिस्टम चल रहेगा ना, आपका धंधा जब तक चलता रहेगा। सुखवानी, जो काम तुमसे कहा गया है वो करो। अच्छा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर सुब्रमण्यम, समय खान बात करूं। आपके कहने के मुताबिक मैंने उन पैरों के निशानों के फोटोग्राफ्स खींचे हैं और इसे जल्द आपके पास भिजवा दूंगा। सर, इस मामले में आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है।
रोहित दरवाजा खोलो। अच्छा तुम आ गए। क्यों? एनी प्रॉब्लम? हाँ, ये बुरी तरह चीख रहा था। लगता है भूख लगी होगी। इतनी सारी चीज़ें, कुछ नहीं खाता। कुछ खाता होगा। तुम क्या खा रहे हो? लकड़ी, जाली, रोशन दाल। नहीं रोहित, कुछ और कहना चाह रहा है। हवा, किरने, धूप। अला, ये तो उल्टा भी है। ये तो सोचता है हमारी बातें। मतलब पावर्स होने के अलावा ये बहुत इंटेलिजेंट भी है। हाँ, मगर ये धूप कैसे खा सकता है? धूप कोई खाने वाली थोड़ी है। हम लोग खाते हैं, उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। हो सकता है इन्हें धूप से शक्ति मिलती हो। रोहित देखो इसके सर। अरे रोहित, सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अरे निशा, तुम कहाँ आई? बस अभी आई थी। अच्छा, तो तुम नाश्ता कर लो। हाँ, तुम जाओ, तुम जाओ। हमारे बेटे मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना, जल्दी आओ। ये पानी का जगह क्या कर रहा है? ले आना है रोहित। टोकरी के भर में मसाला, अभी आते हैं। चलो। आई थिंक वी आर हैट। मुझे यहाँ एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह भुला की हिम्मत किसकी? लाइव मर्डर ऑन टेलीविजन, आपका आइडिया था? खरीद लूंगा उसे। सर, लोकेशन शिफ्ट हो गया। आई थिंक इज जंपिंग आईपी एड्रेस। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। Get trial at home. Over 5,000 designs and a certificate of authenticity. Jewelry comes home with Bluestone.com. कुछ बात है देश की मिट्टी में, जिस देश का हर कोना जुड़ा है, और हम देश मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कचारिया जा बरकत, मेरी शादी छोड़, सो होने देगा। वाटरप्रूफ वाला एक्सटीरियर पेंट, एशियन पेंट्स अल्टीमेट, बारिश को आने। Powered by PNB Housing Finance. Ghar Bar. In association with Tech Gemini. Imagine any light. Hero Healthy Salt. 100% natural, 100% kudrati. Potassium, iron, iodine jaise 84 minerals yukt. Jo aapke liye hai healthy. To aaj se khane ka nak badal dalo. Hero Healthy Salt. Vak healthy, to family healthy. Yamaha. आज चल छुट्टी होगी तो सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा ते मुमताज बना दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा।
तुम्हारी सुल्को पावर बाय पीवी हाउसिंग फाइनेंस 25 फरवरी रविवार दोपहर 12 से मैक्स एज पर सोनी लिव पर। बिल्ला 11 मुल्कों की लीज का इसने जीना हराम रखा है। गैर कानूनी हमलों का ये बेताज बच्चा है। द रिटर्न ऑफ रेबल 2 कल रात 9 बजे मैरिज टी और सोनी लिव ऐप पर। बाय निशा। बाय आंटी। रोहित नाश्ता पूरा करके उठना बेटे। हैला ए बिट्टू पर मिला कि नहीं? अरे नहीं यार, ऐसा सिक्सर मार के बॉल स्टेडियम के बाहर। अरे स्टेडियम के बाहर नहीं, आउट हाउस के अंदर है, वो देख। हाँ चल। हाँ चल। ये कहाँ है बॉल? ए ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित अंदर ही है। अरे मेरे भूत है। नहीं नहीं बंदर है यार, हमें बोल उसके हाथ में। ए तू बाहर क्यों है? बोला था बाहर नहीं आने को। बॉल बॉल कर रहा है, सबको कर दिया, सबको पड़ गया। ये कौन है रे? पहले तुम लोग प्रॉमिस करो कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहोगे। प्रॉमिस। ये मेरा फ्रेंड है जैसे तुम लोग हो। वो जो पेशिप उतरा था ये उसी में आया था। पेशिप तो चल गया, ये बेचारा यही रह गया। हेलो
हम भी चुप हो तुम भी होती ही सब बातें फिर अरे कैसा हुआ ये जुबा दारू 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 के ऊपर कोई जोका है क्या? वाला किस्सा तो पुराना हो गया, हम तो नहीं होने वाले निशा रोहित के बच्चे नॉर्मल होंगे या एबनॉर्मल होंगे? रोहित और निशा के बच्चे जैसे को मैं मालूम ही नहीं, निशा सात दिन रोहित के साथ रहती है। राज अभी तैयार समथिंग वरना वो यहाँ तेरा पेड़ा खा जाएगा। उस एलियन का कुछ पता चला? नहीं कर लगता है इंस्पेक्टर खान को गलत फहमी हुई थी, पर ना अब तक उसके बारे में कुछ ना कुछ पता लग गया होगा। दिस इज चेक एंड मेट। कांग्रेचुलेशंस डैड, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? आपके बेटे शादी करने का फैसला कर लिया है। वेरी गुड, हु इज द लकी गर्ल? निशा अंकल। दिस इज फैंटास्टिक, ये कमाल हो गया। लेडीज़, सुना तुमने, निशा राज ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। सर, क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है ना? कांग्रेचुलेशंस रमा। थैंक यू। क्या हुआ, तुम लोगों को पता है निशा की शादी आज से होने वाली है? हला, तुझे क्या मालूम? कल रात को मेरे मम्मी पापा क्लब गए थे, उन्होंने बताया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, निशा रोहित की गर्लफ्रेंड है। हाँ। तो चलकर बताए। हाँ, चलो चलो। तुमने क्यों बोला? मैंने कब हाँ कहा था? तुमने अभी तो नहीं कहा था, और फिर हम दोनों पेरेंट्स भी तो यही चाहते हैं। बात पेरेंट्स की नहीं है, झूठ बोलने की है। इसमें झूठ की क्या बात है? I like you and I know you love me। राज, लाइकिंग का मतलब ये नहीं कि हम दोनों शादी करें, और anyways, शादी करने के लिए दूसरे को जाना बहुत जरूरी है। ओह, जो कुछ हो रहा है उस हिसाब से तो हम जिंदगी भर एक दूसरे को नहीं जान सकेंगे। क्या हो रहा है? ओ मोनिशा, नॉट ब्लडी ब्लाइंड, क्या मुझे दिखाई दे रहा तुम्हारा रोका क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, क्या बोला हमने? मेरे और रोहित के बीच चक्कर चल रहा है? ओके, ऑल राइट, अगर चक्कर चल रहा है तो तुम्हें क्या,
मैं किसी भी और किसी नहीं, मेरी मर्जी। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? तो उस पागल के लिए मेरी इंसल्ट कर रही हो? वो पागल नहीं है। ओह, लगता है तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जान गई हो। हाँ, बहुत अच्छी तरह से, उसे भी और तुम भी। ये क्या टूटा यहाँ पर? हाँ, क्या हुआ रोहित? रोहित, निशा की शादी हो रही है माँ, राज के साथ। अरे तो इसमें नाराज नहीं, क्या बात है बेटी? हर लड़की की शादी होती है। पर निशा तो मेरी गर्लफ्रेंड है माँ। क्या निशा तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ। उसने प्यार से बात करी, क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड होगी? उसने खुद मुझे कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड। उसने मजाक में कहा होगा बे, निशा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो तुझे अपना दोस्त बना सकती है, जीवन साथी नहीं। तू नहीं बना सकती रोहित। रोहित तू तो बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। तू अपने वर्ग के लड़कों जैसा नहीं है। क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं मुझे लड़कों जैसा? मैंने तो कुछ नहीं किया, पर कैसे हो गया कि नहीं मुझे चढ़ के जा रही है? रोहित, सब कुछ ठीक होता अगर मन उस पर अपने दिखाई दे, पापा भी जिंदा होते और तू भी ऐसा ना होता। निशा, पापा क्या हुआ था? माँ एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त मेरी बेटी था। निशा तू क्या कर रहा है? रोहित चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हंस के रह जा छोटा, और बार बार बताना वरना पकड़ जाएगा। जा जा जा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। ओफो, कभी उधर दिखाई दे रहा है, कभी उधर दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी बेटा, स्कूल की देर हो जाएगी। कंप्यूटर का घंटा है, इसमें घंटा है। रोहित तू रुक जा, रावण से छुप जाएगा तो डांटेगा टनाटन। अब कैसे डांटे? अब तो मैं कर सीख रहा। अरे रोहित लक्ष्मण का घर बुलाया क्या? बुला नहीं, छोड़ा है। आज से बेटा सब कुछ रहा था। क्या बात करता है? अरे देखा। अच्छा एक मिनट, तू ही पढ़ के बता कि चतुर्वेदी से ब्लैकबोर्ड पे क्या लिख रहे? If turn table rotates through 720 degrees in 1 second, how many rotations does it take in 1 minute? Boys, एक आंसर लिखिए। One twenty rotation in 1 minute.
आंसर किसने दिया? रोहित, तुमने टेंथ स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम जबानी सॉल्व कर दिया जी। अंदर आओ। ये तुम्हारा अंदाजा था या क्या? मेरा आंसर राइट था सर। एकदम राइट था, पर ये तुमने सॉल्व से किया? पता नहीं सर, परिवर्तन अपने आप आ गया। रोहित ने, आई कैन बिलीव इट। भी बिलीव नहीं करता सर, मगर फैक्ट यही है। कहाँ है रोहित? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारे बस का नहीं कंप्यूटर, जाकर भारी या सुतारी सीखो। बार बार जाते हो और बार बार मुझे तुम्हें सर करके बात करना पड़ता है। मिस्टर माकरू, स्टूडेंट से बात करते हैं क्या? इस लड़के का आईक्यू एकदम जीरो है, इसे टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप खुद देख लीजिए। अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर कीजिए, जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को सेल पर ले जाकर राइट लीजिए, बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। यस होइला, हाउ डू यू नो दिस? हमने कहा था ना सर कि मैं बाप से सीख क्या, मैं अपने पापा सीख क्या सर। आप तो टीचर हैं सर, आपके ऊपर हजारों बच्चों की जिम्मेदारी है, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का बढ़ावा देना चाहिए सर। कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान कंप्यूटर को बनाया है, इसलिए जो दिमाग सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता सर। दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए सर, कभी हर छोटा कभी ना भी बड़ा जरूर हो जाता है सर। माथुर सर का कैसे उतर गया? लेकिन तू एकदम से इतना होशियार कैसे हो गया? लेकिन की गड़बड़े, अब तू भूल जाना हमें, बड़े बड़े नए दोस्त नहीं के तेरे। ऐसा ठीक है, तुम लोग मेरे दोस्त और हमेशा रहो। हाँ। रोहित चल बपास कर। ये क्या करेगा रे, जो अभी तक नका दूध पीता है, ऐसे क्या देख रहा है? ताकत आ गई तेरे में, ए यहां देख। रोहित क्या फटा? हाँ यार, ओए तेरे में तो ताकत आ गई यार। आई लव मसल, बाप रे। ओए की टोले सोले, ओए देख देख क्या, आजा आजा। अगली बार पी क्या जम के काबला होएगा। मुझे यहाँ लाई हो तुम? मुझसे नाराज हो? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी दोस्त नहीं हो, राज के साथ जा रही हो। मैं राज के साथ नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रही हो? मैंने उसे मना कर दिया। मुझे बिल्कुल पसंद, मुझे पसंद नहीं। हम दोनों पसंद कितनी मिलती है? हाँ पसंद भी मिलती है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी हैं, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। हर लड़की को एक ना एक दिन जाना पड़ता है, अपना घर बसाना पड़ता है ना? हाँ वो तो है। अच्छा बताओ तुमको किस टाइप लड़का पसंद है, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। तुम ढूंढोगे मेरे लिए लड़का? हाँ, हमारी पसंद की है ना, तो मुझे पसंद होगा वो तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा बताओ कौन है तेरी पसंद? बंटी है, बिट्टू, असलम, छोटू, रोहित, ये सब तो बच्चे हैं। और मैं पढ़ा हूँ, क्या मजा आएगा, हमेशा साथ रहे, घूमेंगे देंगे और शाम बॉर्नविटा पियेंगे। रोहित शादी का मतलब बॉर्नविटा नहीं होता, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है,
एक ही जिम्मेदारी होती ना, पति अपनी पत्नी को सारा प्यार करे। सिर्फ आज के सहारे जिंदगी नहीं गुजार जाती है रोहित, हर लड़की चाहती है कि उसको एक ऐसा साथी मिले जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो। क्या फिजिकली स्ट्रांग नहीं? हाँ पर मेंटली थोड़ा कमजोर हो ना? नहीं मैं अगर थोड़ा कच्चा पक देख जा। अरे लोगों को मैंने ऐसी फाइट मार के कमाल नहीं हो गया, और नीजा वो तो मेरी टेबल लेके क्लीन हो गई, और वो बल वो बोल रहा मैं ऐसी की मारी के उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया। ये सब तूने क्या ना जादू नहीं पाया था ना, ये उसी में से है। मैं इसे जंगल बचा कर लाया हूँ और तब से मेरे पास है। माओ ये बहुत अच्छा, माओ ये बहुत अच्छा। अच्छा है पागल है तू, ये एक पल भी नहीं रह सकता। मैं भी उसको फोन करती हूँ। माँ लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो माँ, तेरी हिम्मत से हुई छुपा के रखनी? लेकिन जिसने अपना एहसान किया उसे तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। एहसान कैसे एहसान? मुझे देखो माँ, मुझे देखो, बात तो सुनो। मैं देखना चाहती हूँ ना, मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। मिसेस बेला मैं फादर रॉड्रिक्स बोल रहा हूँ। ये यार क्या कर दिया है? रोहित बिल्कुल ही बदल गया, सारा स्कूल उसकी नॉलेज और इंटेलिजेंस को देखकर हैरान हो रहा है। आपने डिसाइड किया सर कि रोहित 10th स्टैंड में प्रमोट कर दिया। आप सुन रहे हैं ना? क्या हुआ? किसका फोन? प्रिंसिपल का। मुझे वो 10th क्लास में प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए कि 10वीं के आगे पास क्लास ही नहीं है। माँ मेरे ये सब इससे जादू का जादू है। माँ मुझे देखो, मैं वो रोहित ही रहा। तेरा चश्मा मुझे सब दिखता है। माँ सब समझता भी, अब तो मैं जा भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। Morning, sir. Morning. Sir, Dr. Sivan. Hello. Dr. Subramanian. Hello. Dr. Hines. Hello. And Dr. Fragut. Hello. All from Space Research Center, sir. I see. Gentlemen, RCD Collector, Mr. Saina. Nice to meet you, sir. Sir, Inspector Khan ne jo photo bheje the, unko dekhne ke baad ye prove hoga ki ye alien ki footprints hain. Aage research karne ke liye log aaye hain. Iska matlab hai ki Khan tumhara shak sahi tha. एक बात बताइए डॉक्टर, ये जो दूसरी दुनिया का प्राणी है डेंजरस तो नहीं है? डेंजरस? आई डोंट थिंक सो। अगर डेंजरस होता तो अब तक कुछ न कुछ जरूर होता, लेकिन कहीं से कोई रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। इस खामोशी का मतलब भी तो हो सकता है कि शायद वो मर गया हो सकता है, मगर उसकी लाश भी हमारे लिए बहुत कीमती होगी सर। उस एलियन गंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मुझे सारा इलाका छानना पड़ेगा सर, उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स जरूरत पड़ेगी। यू हैव माय परमिशन। जादू कैसा लग रहा?
मैं बच्चों से बात नहीं करता। अब मेरी माँ खेलने कूदने की नहीं, मैच नहीं गाने की, बता देना आपको। क्या रो हीरो बन के? हाँ दीदी, और उसने कहा कि अब मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं, नाचने गाने की है। रियली? अरे वाह रोहित, ये क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? हाँ, बोले थोड़ा कच्चा हो ना, पक्का नहीं कच्चा, वरना तुम पे हंसेंगे। मुझे? लोग मुझ पे क्यों हंसेंगे? हम गर्लफ्रेंड बॉय है ना, मैं कच्चा रह गया, तुम पे हंसेंगे। रोहित जेंटलमैन, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। एंड आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज रोहित। रोहित, डांस कॉम्पिटिशन हिस्सा ले रहे हो? विष्णु, गुड लक। देखो रोहित, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। नहीं, जो मैं धार रहा हूँ वो देखो। पर देखो रोहित, सब हंस रहे, चलो लेट्स गो। नहीं नहीं, एक और टाइम, म्यूजिक चला दो। रोहित देखो, ये बच्चों के खेल नहीं है, चलो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। एक और म्यूजिक। Thank you.
नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जब कुछ भी सब खेल है। खेल की चीज नहीं है, अड़ जाए ना तो हवा निकल जाती है। देखते हैं क्या हवा निकलती है। अच्छा हो जाए। बहुत जोश में हूँ। वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा बच्चू। अच्छा हो जाए। बैठ के हीरो कप। हीरो कप के साथ सर मैच जीतेगा। निशा किस करेगी? राइट निशा पीछे नहीं देखते के बीच में बास्केटबॉल का मैच और जीतेगा उसे तुम किस कर? मैं राज को कभी किस नहीं करूंगी। मुझे करोगी? तुम जीओगे तब ना। बगैर टीम के मैच का है, मुसीबत को बुलाया है, अब तू हारेगा, राज तुझे मारेगा। टन टन ना। क्यों? तुम लोग हो ना मेरी टीम। हम लोग? वो सब इतने लंबे लंबे और हम इतने छोटे छोटे। हम लोग तो इससे जम भी नहीं लग सकते। जाएगी और जल्दी करना नहीं मेरा डांस इतनी निकल जाना है। तू गूगल पाके नची तुमके तकिया मिला गूगल पाके नची तुमके दा तुमके तकिया मिला तुमके मुबारक आज रात 9 बजे मैक्स एचडीओ सुलिव ऐप पर। ये पेंट केमिकल फैक्ट्री बनता है और ये आपका सफेद नमक ये भी केमिकल फैक्ट्री में बनता है। प्योर हेल्दी सॉल्ट 100% नेचुरल 100% कुदरती पोटेशियम आयरन आयोडीन जैसे 84 मिनरल्स युक्त प्योर हेल्दी सॉल्ट नमक हेल्दी तो फैमिली क्या बरकत ये लड़का तेरी शादी की सोच होने नहीं देगा। Waterproof wala exterior paint Asia Paints Ultima product Barish ko aane do Ko powered by PNB Housing Finance Ghar ki baat Where are you my baby blue legs adieu Get trial at home over 5000 designs and a certificate of authenticity Jewelry comes home with bluestone.com. तो आइए जानते हैं ऑटोमेटिक शहर में जनता मूड किसान है फंस गई या बेकार है इतनी से जगह इंतजार में
डैटसन रेडियो का वादा है स्मार्ट ड्राइव ऑटो के साथ बेस्ट इन क्लास स्पेस, तो बेहतर ऑटोमेटिक लाओ, बेकार नहीं। लोग नॉर्मली दिल के हाथों मजबूत हैं, मुझे मेरी नाक ने कर रखा था और मेरी नाक आखिर मुझे अपनी मंजिल तक ले आई। शुक्रवार 8 बजे मैक्स एचडी और सोनी ऐप पर। पैसा कितना? मैं पैसा मुझ तक पहुंचा दे वरना तेरी ब्रेकअप के 4 टुकड़े कर दूंगा। मैं 440 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर हूँ। खतरा में? अगर तू खतरा है तो मैं भी खतरों का खिलाड़ी हूँ। मुझे उसके मुंह के एक्सप्रेशन देखने हैं। सबसे बड़ा जीरो 19 फरवरी सोमवार रात 9 बजे मैक्स एचडी और सोनी ऐप पर। आज का ये मैच बड़ा ही अजीब और गरीब किस्म का है, क्योंकि लास्ट टाइम के हीरो कप के विजेता कसौली टाइगर्स चैलेंज किया है रोहित मैं और उसकी टीम ने, और टीम का नाम है पांडवाज। प्लीज वेलकम पांडवाज लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं ये क्या दे रहा हूँ, ये पांडवा की टीम है कि पांडवाज के बच्चे हैं? जादू हिलना मत। सिटी के साथ मैच शुरू, देख रहा हूं कि बॉल को उछाल दिया गया है, सेना ने अपनी लड़ाई का फायदा उठा दिया, बॉल को अपने खिलाड़ी की तरफ उठा दिया है, खिलाड़ी पीछे गए, खिलाड़ी ने पास दिया, ड्रिबल कर हाफ लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये एक और पास, और इसके साथ मैं देख रहा हूं कि बॉल को उछाल दिया गया सेना की तरफ, राजसेना आगे बढ़ रहे हैं, फायर बड़ों में क्या देख रहा हूं, रोहित मैराना को राजसेना के हाथ से छीन लिया, टांगों के बीच बॉल को निकाल के ड्रिबल कर रहे हैं, डी की पड़ रहे हैं और ये उछले और ये के साथ ही एक बार फिर से मैच शुरू। मैं देख रहा हूं बॉल राजसेना को दिया और बॉल को ड्रिबल करते आगे बढ़ रहे हैं, बीच में शुरू कर रोहित मैराना बॉल को छीन लिया और ड्रिबल करते आगे बढ़ रहे हैं, फिर से वही खेल कर दोहराया जाए दोस्तों और ये उछले रोहित मैराना और ये एक बार फिर शुरू, बॉल को सॉलिटाइज के हाथ में एक पास देते हुए बॉल राजसेना लोग रोहित को अंडरस्टैंड ओके यस। रेफरी की टी और ये मैच बार फिर से शुरू, बॉल को सॉलिटाइज के हाथ में और मैं क्लिक कर रहा हूं सॉलिटाइज के कुछ खिलाड़ी रोहित को घेर लिया, उनसे कुछ किया नहीं जा और ये नन्हे बच्चों बार फिर से मैच शुरू किया एक दूसरे पास देते हुए, लेकिन रोहित मैं भी उनसे कुछ किया जा रहा और नन्हे बच्चों का बस नहीं, सॉलिटाइज आगे बढ़े और ये रोहित में अभी तक घिरे हुए कॉलेज टाइगर्स के बीच में, ये राज सक्सेना बुक को लेकर आगे रोहित मैरा ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और ये मैं क्या देखा हूँ, रोहित मैरा गिर गए, गिरा दिए गए, लेविस का फायदा मैच अचानक दिल होता हुआ दिखाई रहा है दोस्तों, सॉलिड टाइगर्स का आक्रमण लगातार तीव्र होता हुआ, राजसेना एक बार फिर से आगे बढ़े और ये बास्केट, स्कोर लगातार आगे बढ़ता हुआ, बास्केट बास्केट होती चली जा रही है और ये तो बास्केट। भाई और बहनों ऐसा लग रहा है जैसे राजसेना के साथ ही बच्चों के साथ लड़ साथ रहे हो, मैं देख रहा हूँ बच्चों उछल कर बॉल पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये खड़े खड़े राजसेना ने बॉल डाल दी, ऐसा लग रहा है जैसे ये मैच हो तो सॉलिड टाइगर्स शायद पांडवों को अपनी प्रैक्टिस
जादू जादू पे क्या हो रहा है जादू? हम ठीक से उड़ नहीं पा रहे। जादू शक्ति धूप से जो सूरज की किरणें उस पर ना कर, वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब धूप ना हो तो जादू कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या रहे? हे किशन कुमार, जब भी नसीब बचते। और मैच रेफरी की इस बल के साथ ही एक बार फिर से हीरो कप मैच के सेकंड हाफ का बॉल उछाल दी, बॉल एक बार फिर सॉलिड टाइगर्स हाथ में, तो सॉलिड टाइगर्स के खिलाड़ी दूसरे पास दिया, आगे बढ़ते हुए बॉल एक बार फिर सेना के हाथ और आगे एक्साइटमेंट हो रही है, ये मैच करूं किसान से बदलेगा मैं सोच नहीं सकता। कैसे लग गए? कुछ चोट तो जरूर है, इन बच्चों से पता नहीं पड़ेगा।
ये क्या कह रहे हो अरबंस? ठीक कह रहा हूँ, मेरी दोस्ती में बदनाम हो गया है मेरा बेटा। He is becoming laughing stock for everybody. ये सब कुछ तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ। मैं समझता हूँ हरन, मैंने निशा को बस समझाया, लेकिन What do you mean, है? तुम्हारा मतलब है कि अगर निशा रोहित से शादी करना चाहेगी, ये जानते हो भी कि रोहित पागल है, तुम अपनी बेटी का हाथ उस पागल के हाथ में दे दोगे? सिंगल बोल से काम नहीं रहेगा अंकल, क्योंकि पागल बोलने से ये पता नहीं लगता कि पागल किस किस्म का पागल है, और उसका पागल है वो पागलपन की कौन सी कैटेगरी में आता है। मिसाल के तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया पागलपन है, मेगलोमेनिया पागलपन है, ऑब्सेशन पागलपन है, साइकोपैथी पागलपन है, मेंटल इंबैलेंस पागलपन है, और पागलपन भी पागलपन है, और पागलपन की कोई लिमिट नहीं होती। मैड एंड क्रेजी भी पागलों के नाम है, और क्रैक और गुड डीरेंज भी पागल है। पागल ऐसे होते जब पागलपन दुनिया को लगता है कि पागल है, लेकिन वो पागल नहीं होते, और कुछ पागल वो होते जो फुल पागल होते हैं लेकिन उनका पागल दिखाई नहीं था। इन शॉर्ट दिस इज स्मॉल समझान पागलपन। अरे आप खड़े क्यों हो गए? सिट डाउन, सिर्फ प्लीज प्लीज आंटी आला बंदीता, थैंक यू। यस हाँ, मैं ये कह रहा था कि पागलपन की बहुत सी किस्में हैं। नर्स के पाँव हिलाना भी एक किस्म पागलपन है। और आप लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। यस आई एम, क्योंकि मैं आपकी बेटी की प्यार में पड़ा। मैडलिन लव विद निशा। हाय ला एक बहाना छुलिया 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 है, प्यार था ये पुराना, कह दिया कह दिया कह दिया।
लगे मुस्कुराने, चाहे दिल चाहे रात यूं ही बैठ करें बात। कूद रहे थे, आज फिर हमारे ऊपर से कूद के जाओ। जे क्या देखता है, क्या है बैग में? क्या है?
चैंपियन की कुछ मिमिक्री कर दिखाना। नहीं सीता गीता तू सीटी बजा सकती है, मैं कुकर रही है, हेमंगी श्रीदेवी करती। सुनो सुनो मुंबई को साड़ी वाली भाभी ले सुलूक साथ कौन बात करना चाहता है। तुम्हारे सुलूक को पावर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 25 फरवरी रविवार दोपहर 12 बजे मैक्स एज और सोनी लिव पर। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस को पैसों बर्बादी समझते हैं उन्हें अक्सर हॉस्पिटल के लंबे चौड़ी बर्बाद कर देते हैं, इसलिए policylad.com पे जाएं और हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। बस को पावर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस घर बाद। ये सफेद कपड़े ब्लीच किए हैं, ये आपके खाने का सफेद नमक ये भी ब्लीच किया हुआ है। प्योरो हेल्दी सॉल्ट 100% नेचुरल 100% कुदरती, पोटेशियम आयरन और आयोडीन जैसे 84 मिनरल्स युक्त। प्योरो हेल्दी सॉल्ट, नमक हेल्दी तो फैमिली हेल्दी। Waterproofing wala exterior paint, Asian Paints Ultima Tech. Barish ko aane do. Where are you, my baby boo? Let's kiss adieu. Get trials at home. Over 5,000 designs and a certificate of authenticity. Jewelry comes home with Bluestone.com. Powered by PN Housing Finance. घर की बात in association with Techno Camera Magic in Light. कुछ बात है इस देश की मिट्टी में जिस देश का हर कोना जुड़ा है और हम देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कचारिया Okay Google, show me my sunset pictures. बिल्ला 11 मुल्कों की लीज का इसने जीना हराम रखा है। गैर कानून धंधों का ये बेतज बादशाह है। The Return of Rebel 2 कल रात 9 बजे Max HD और Sony Live App पर। क्या खिकर क्या हंस रही है? Excuse me? स्वीटी यार किससे पंगा ले लिया तूने? क्या एक बुट्टी गिर के ऊपर से मुझे बातें कर रही है? बुट्टी? तूने मुझे बुट्टी कहा? तो क्या कहूँ? गुड्डी और गुड्डी पे थे आप गिर के आपको चुटने लगी गुड्डी जी। स्वीटी है ही नहीं सुनने वाली चीज। लेकिन जा तुम भागी कैसे? आज तो बजे मैंने तो कमाल किया रे। रोहित माँ क्या दिया है ना अंदर? रोहित क्या हुआ? इंस्पेक्टर खान जिस तरह देख रहा था मैं, लग से मुझ पर शक हो गया। हमें तो कहीं और छुपाना काम। मेरे घर पे पाते मेरे मम्मी डैडी बाहर हुए हैं। नहीं मेरा घर रहेगा, कोई सोचेगा नहीं कि जादू का लेक्चर उसके घर में हो सकता है। लेकिन इस तरह से कब तक छुपाए रखोगे? कभी कभी तो पकड़ा जाएगा ना। नहीं मैं जादू को लेकर किसी और शहर में ला जाऊंगा। एक बार पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी तो जादू को दुनिया में कहीं भी छुपा सकोगे रोहित। तो क्या करें मां? इसकी जान बने का एक ही रास्ता है रोहित,
कि यहाँ से आया है वहीं वापस भेज दिया जाए। नहीं माँ, जादू से मुझे अलग नहीं कर सकता। जब तक मैं कोई से हाथ नहीं लगा सकता। रोहित, आंटी ठीक कह रही है, तुम अकेले सारी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी फिक्र मत कर, जाता मैं पहले जाता फिर वैसे ही जाऊंगा। हमारे हवा कर दो। कभी नहीं। हमें मजबूर मत करो, नहीं तुम्हें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर जो करने कर जिए, मैं आपके हवाले नहीं करने वाला। छीन लो इसे। छोड़ दो मेरे।
सोली बेस, कम इन प्लीज। सोली बेस में खान रहा हूँ, हम लोग बहुत दूर पहुंच रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा रोहित, नहीं छोड़ूंगा। जादू का है मां, जादू को ले काले। मैं बताता हूँ, हाँ मैं, मैंने ऐसा प्यार ऐसी दुखी कहीं नहीं देखा है। वो तुम्हारे दोस्त को दिल्ली से अमेरिका ले जाए हैं। रोहित, अगर तुम्हें जाके एहसानों का बदला चुकाना है, यही वक्त है बे, जा और इसे बचा कर ये साबित कर दे दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। जा रोहित।
सोमपुरा जी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट कसौली टाउन से रिपोर्ट कर रही हूँ, जहाँ विशेष अदालत ने कल इस बुनियाद पर रोहित मेहरा को बरी कर दिया कि वो दिमागी तौर नॉर्मल नहीं है। आज यहाँ कसौली टाउन की जनता रोहित मेहरा का सत्कार करने के लिए जमा हुई है, क्योंकि रोहित मेहरा ने उस एलियन को जिसे वो अपना दोस्त मानता है उसको अपनी दुनिया में वापस भेजकर इंसानियत और दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है। आइए हम सब मिलकर रोहित मेहरा का सत्कार करें। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जादू अपनी शक्ति वापस ले गया, मगर मेरा बैग तो नहीं ले गया। hey, बड़ा हीरो बना था ना। अबे देख क्या रहा है, जिसके भरोसे तो उड़ रहा था वो तो गया। अब बॉल पास करके देखा। चलो कम ऑन। हाँ ले जा अपनी चूड़ियां भी पहन देना इसे। Thank you.
थैंक यू जादू। आई थिंक वी आर हैक्ड। मुझे यहाँ एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह लाने की हिम्मत की हुई। लाइव मर्डर ऑन टेलीविजन आपका आइडिया था? खरीद लूंगा उसे। सर लोकेशन शिफ्ट किया है। आई थिंक ही इज जंपिंग द एड्रेस। खैर तुमने हाउ टू डू मिस दिस। बचा तुमको गोपाल बाबा एनपी हाउसिंग फाइनेंस 9 फरवरी को रात 8 बजे मैक्स एचडीओ सोनी लिव ऐप पर। ओए छोटा भाई है रखना। Feel every moment come alive. Google Duo, written the highest quality video calling app. बड़ी बीमार पूछ कर नहीं आती, जब आती है कम से कम 3-4 लाख का बिल आती है। इस policybazaar.com पर कंपेयर कर ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीद। पावर्ड बाय पीबी हाउसिंग फाइनेंस। घर की बात। Yes, Yama. Pure healthy salt. 100% natural, 100% kutti. Potassium, iron, iodine jaise 84 minerals yukt jo aapke liye hai healthy. To aaj se khaiye namak badal dalo. Pure healthy salt. Namak healthy, to family healthy. Kupawa PNB Housing Finance. Ghar baat. Where are you, my baby blue? Let's kiss adieu. Get trials at home. Over 5,000 designs and a certificate of authenticity. Jewelry comes home with bluestone.com. तो ये जानते हैं, ऑटोमेटिक शहर में जल का मूड कैसा है? ये सब तो होगा प्यारा। पहला लेट हो ये जगह से छुटका। डॉट रेडी गो का वादा है स्मार्ट ड्राइव ऑटो के साथ बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस। तो बेहतर ऑटोमेटिक लाओ, बेकार नहीं। हेलो, सुलू के साथ कौन बात करना चाहता है? तुम्हारी सुलू को पावर्ड बाय एनपी हाउसिंग फाइनेंस 25 फरवरी रविवार दोपहर 12 बजे मैक्स एचडी सोनी लिव ऐप। अंजलि को मैं किडनैप कर लिया है। अगर अंजलि के शरीर पे हरोज भी आई तो नोच के फाड़ दूंगा। आ रहा हूँ मैं उसका गेम ओवर करने। कैसे बचाओ? बचाऊंगा, चाहते ही रहूंगा। लॉफ्ट राजा 12 फरवरी सोमवार 9 बजे मैक्स एचडीओ सोनी लिव ऐप पर।